Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वनराज के पागलपन को ठीक करने के लिए अनुपमा और अनुज आपके मान लेंगे एक मुश्किल और अनोखा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता नजर आ रहा है जो हमें आगे की ओर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आगे ऐसा क्या हो सकता है, क्यों वनराज को पागल बनाया गया है, क्यों वनराज समर से ही अटैच्ड दिखाई देता है, क्यों वनराज अनुपमा से ही बात करता हुआ उसको कहता हुआ दिखाई देता है कि हमारा बेटा समर, जैसे कि आज काव्या के साथ हुआ। तो ये एक ऐसे फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन है दोस्तों, जिसके बारे में अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और इस बात को आप भी सोचिएगा कि अगर ऐसा होता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो कैसा होगा ये अनुपमा धारावाहिक। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे वनराज के पागलपन के काफी सारे सीन्स हमने आज की कड़ी में देखे। अनुज अनुपमा वनराज को संभाल रहे हैं। पागलपन में वनराज कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में बैठ गई है कि मुझे अपने बेटे समर को इंसाफ दिलाना है। तोशु मुझसे दूर ना जाए, पाकी मुझसे दूर ना जाए, मेरे बच्चे, उसके दिमाग में यही स्टक हो गया है। इसलिए उसने काव्या से भी रुख थोड़ा सा अलग दिखाया कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं, मेरा बच्चा तो समर ही था। यहाँ पे अनुज अनुपमा का भी एक सीन हमने देखा जो बाद में था कि मुझ पे ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें चीजों को, जो इंस्पेक्टर से अनुज की बात हुई। तो कहने का मतलब यह है कि अनुज और अनुपमा अपनी अपनी जगह पे एफर्ट्स कर रहे हैं। अनुपमा के मन में चीजें हैं कि अनुज को कुछ ऐसी बातें पता है जो मुझे नहीं पता है। अब ये दोनों की आपस की केमिस्ट्री जो हमेशा से चलती आई है, चलती है कि एक दूसरे को दुख नहीं देना है। और इस समय अनुपमा का सबसे बड़ा दुख क्या है? शाह परिवार। जैसा कि हमने अनुपमा का सोलो सीन देखा, जिसमें वो अपने आप को जो बूस्ट अप कर रही है कि मुझे ये सब कुछ संभालना है, सब कुछ ठीक करना है, शाह की बीमारी और ये वो सब चीजें गिनवाई उसने। अब पॉसिबिलिटी क्या लग रही है दोस्तों, जिस तरह वनराज पीछे पीछे जा रहा है, हो सकता है वनराज की ये बीमारी उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पे वो था, उसकी अनुपमा थी, उसका परिवार था और कोई नहीं था, बापूजी और अनुपमा और तीन बच्चे। वनराज जिस तरह अनुपमा से बात कर रहा है, अनुपमा से समर की मदर की तरह बात कर रहा है कि समर की माँ है, और उसको ये चीज बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रही कि अनुज की वाइफ भी है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल आउट ऑफ दिमाग हो गया है। तो ये आउट ऑफ दिमाग जो इंसान है, इसको वापस लाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आने वाले समय में अनुपमा को वनराज की वाइफ होने की भूमिका निभानी पड़ सकती है। ये कड़ा फैसला है दोस्तों, जो मैंने कहा मुश्किल, कड़ा, कठिन, जितने शब्द लगा लो ये कम पड़ेंगे, क्योंकि स्थितियां उस तरफ जा रही हैं। इस समय वनराज जिससे बात करता है वो है अनुपमा। बापूजी जाके कोशिश करते हैं वनराज से बात करने की, उसको हंसाने की, और वो हंसता है तो हंसता ही जाता है, कंप्लीटली लॉस्ट हो गया है। अब यहां पे वनराज को जो संभाल सकता है वो है अनुपमा। अनुपमा को 24 घंटे अगर वनराज के साथ रहना पड़ेगा तो वनराज उसको अपनी पत्नी की तरह ही एज्यूम करना शुरू कर देगा कि ये तो मेरी पत्नी है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ माइंड है। अब ये फैसला मान का होगा, क्योंकि अनुज अब ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा है। अनुज कह रहा है कि अनुपमा मुझ पे फिर से तुम्हें वापस वही ट्रस्ट करना पड़ेगा, मुझे पता है मैंने तुम्हारा ट्रस्ट जो है तोड़ा है, तुम्हें विश्वास था कि समर मेरे साथ सुरक्षित है, वो हो नहीं पाया, और अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, कोशिश करो मेरे पे ट्रस्ट करने की। और अब इस स्थिति में अगर अनुपमा या फिर घर से कोई भी या डॉक्टर कहता है कि इनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और अनुपमा रहती है,
और वो वहां पे वनराज को ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, अब आगे बढ़ चुकी है जिंदगी, क्योंकि अगर वो ये कहती है तो दिमाग पे और असर हो जाएगा, तो उसको उस रियलिटी के साथ जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उसमें उसको अपने गैप्स भी बनाने पड़ेंगे, और इस सब में अनुज का ट्रस्ट उस पर बहुत ज्यादा काम आएगा। कि अगर अनुज उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करता है, वो करता है कि अनुपमा चाहे वनराज के साथ भी है वो मेरी ही है, बुरी लगेंगी उसको बातें, बहुत कुछ होगा अगर ये ड्रामा आता है तो, क्योंकि इसकी मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है। क्योंकि अगर इधर अनुपमा शाह परिवार में आके परमानेंटली रहना शुरू करती है फॉर टाइम बीइंग, की वनराज के ठीक होने तक, भूमिका निभाने तक, तो दूसरी तरफ मालती देवी अपना जो है जमावड़ा लगा के बैठी है कि मेरे बेटे का घर ऐसा, वो नहीं मानेगी, मगर अनुज जब कहेगा तो उसको मानना ही पड़ेगा। वो वहां पे अपने बेटे का घर संभालेगी क्योंकि उसकी छोटी के साथ बहुत बन रही है, और छोटी के साथ बन रही है तो अनुज मालती देवी को निकाल ही नहीं सकता, तो मालती देवी उधर अपना पूरा अनुपमा वाला रोल प्ले करने की कोशिश करेगी, और इधर अनुपमा जो कि अनुपमा है यहाँ पे सब कुछ ठीक करने के चक्कर में रहेगी, जैसे कि एक टाइम पे तोशु के टाइम पे भी अनुपमा परमानेंटली वहां पे शिफ्ट हो गई थी। अब वनराज बीमार है, बच्चों का पिता बीमार है, तो ये वाला ट्रैक जो है आगे आ सकता है। अनुपमा निभाएगी वनराज के पत्नी होने की भूमिका, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.